आपको ट्रैवल करने को बहुत मिलेगा, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, पैकेजेस वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव वंस, वन ऑफ द बेस्ट। हाय गाइस, हर एमबीए स्टूडेंट का ना एक सपना होता है, और वो सपना क्या होता है? डे जीरो प्लेसमेंट। कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स में तो माइनस डेज प्लेसमेंट्स भी होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं। ये वो कंपनीज होती हैं जो कि मोस्ट सॉट आफ्टर कंपनीज होती हैं। और पता है कौन सी कंपनीज हैं? इन्हें आप बोलते हैं बिग फोर। दे आर कंसल्टिंग शार्क्स, पीडब्ल्यूसी, ईएनवाई, केपीएमजी, डेलॉइट। हर एमबीए ग्रेजुएट, हर एमबीए स्टूडेंट का सपना होता है कि या तो वो एक बड़ी एफएमसीजी, टेलीकॉम या स्टार्टअप में काम करता है, अगर नहीं ना तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग / कंसल्टिंग फर्म्स में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। आज जानते हैं इस वीडियो में हाउ एंड व्हाई वी शुड क्रैक बिग फोर्स। हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए फंडास, माय नेम इज अंकुर जैन। सो सबसे पहली बात, इन चारों जो कंपनीज है ना, ये गिने जुने टॉप के 20-30-40 ही एमबीए कॉलेजेस में जाते हैं। तो अगर आप इन 40-30-40 कॉलेजेस में नहीं पढ़ रहे हैं, तो चांसेस टू गेट इनटू दीज बिग फोर्स एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी थोड़ा सा कम हो जाता है। आउटसाइड जाके लेटरल आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, जो मुश्किल होता है। लेकिन गुड न्यूज फॉर दीज 40-30 एमबीए स्टूडेंट्स, यहाँ पे चांसेस है कि आपकी ये चारों कंपनीज डे जीरो प्लेसमेंट होंगी। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज कम फॉर समर इंटर्नशिप। Now is the time, अभी तो समर इंटर्नशिप में जा रहे हैं, लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आएंगी फॉर समर इंटर्नशिप्स फॉर 24। वहां से सबसे पहला इजी स्टेप है समर इंटर्नशिप में, अगर आपने इन चारों कंपनियों में ज्वाइन कर लिया, चांसेस हैं कि आपका पीपीआई या पीपीओ आएगा, तो फाइनल प्लेसमेंट के चांसेस हैं। अगर वो नहीं हुआ है तो फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए ये कंपनीज वापस आती हैं और दे पिक स्टूडेंट्स। Most of the guys who have good academic grades, who have good extracurricular, they are very sharp in numbers with business analytics, they have done multiple projects, इनका profile अगर बहुत strong है, उनके chances होते हैं shortlist करने के। ठीक है, rounds बिल्कुल simple, 4-5 rounds होते हैं, depending on the company, depending on the college, profile selection होगा, GD होगा, एक normal interview round होगा, पार्टनर राउंड होगा, एचआर राउंड होगा, ये प्रोसेस सिंपल रहता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है जानते हैं कि होता क्या है इन जॉब्स में, होता क्या है, करियर ट्रेजेक्ट्री क्या है। ये जो रोल्स हैं, पहली बात ये मान के आपका जो प्रोफाइल है वो ऑब्वियसली एसोसिएट कंसल्टेंट, सीनियर एनालिस्ट या कंसल्टेंट, डिपेंडिंग ऑन द रोल, डिपेंडिंग ऑन द टीम, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन योर अर्स्टवाइल एक्सपीरियंस, वो आपसे स्टार्ट करते हो। जितने भी प्रोफाइल्स हैं दे आर exciting profiles, because you will be working, once you join any of these big four firms, you will either be working on some other company, some other startup, some other government projects, वो government of India का project हो सकता है, बड़ी company like Airtel का हो सकता है, Zomato का हो सकता है, या छोटे से startup का भी हो सकता है, कोई भी profiles हो सकते हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी कंसल्टिंग फर्म्स के ये क्लाइंट्स होते हैं। तो इसका फायदा क्या है कि आप 6 महीने कभी एक कंपनी पे काम कर रहे हैं, कभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगले 6 महीने आप दूसरे प्रोजेक्ट और दूसरी कंपनी पे काम कर रहे हैं। सो आपका जो एक्सपीरियंस है वो, यू नो, बीइंग पार्ट ऑफ वन बिग फोर कंपनी, यू आर अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल डोमेन्स, चांसेस आपको ट्रैवल करने को बहुत मिलेगा, आपको सीखने को बहुत मिलेगा, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, पैकेजेस वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव वंस, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस, ये मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बात किया था, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा वर्क की तरफ टिल्टेड है, और शुरू में अगर आपको सीखने को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ग्रो करने को मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। ठीक है, दैट इज द चॉइस इफ यू रियली वांट टू मेक इट। दूसरी बात, पार्टनर लेवल्स के लिए जो प्रोफाइल्स होते हैं ना, उसके बाद पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि कैसे उनको अपना बिजनेस रन करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने कभी भी Amazon, Flipkart, OYO, Zomato, Airtel, यू नो, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में देखा होगा ना, सीनियर लेवल पे जो लेटरल हायरिंग हुई है उनका जो बैकग्राउंड है, बहुत सारे लोगों का जो बैकग्राउंड है ना, वो बिग फोर से आया है, बिकॉज दे नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम
सर्व एट अ स्केलेबल लेवल, हाउ टू क्रिएट प्रोसेसेस, ये लार्ज स्केल प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो एक क्षमता है ना, वो बिग फोर में आपको सिखाई जाती है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आपको बिग फोर में ही अपना करियर बनाना है, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर बनाना है ना, तो बिग फोर का एक्सपीरियंस कभी भी मिस मत करें। दैट इज द बेस्ट एंड मोर इंपॉर्टेंटली दीज आर गुड प्रोफाइल्स टू बी ऑन योर रेज्यूमेस। All the very best, guys. I hope each one of you crack Big Force.